everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are keeping safe and welcome back to yet another empty hall video. So without wasting a minute, let's get started. Alright, so the very first item जो मैंने और मेरे husband ने finish करी है is this Himalaya Purifying Neem Face Wash. Now if you are a regular viewer of this channel, you guys know how much I love this one और मैंने कितने लोगों को ये recommend किया है. Like I always recommend this one for all skin types, specially oily acne prone skin, okay? And it has worked really really well on my skin and इसका जो backup है वो already मेरे घर पे पड़े होते हैं. So love this one, highly highly recommend. Next is a serum और ये भी मैंने और मेरे husband ने दोनों ने मिलके खत्म किया. This one is Rhythm 10% niacinamide ceramide complex and hyaluronic acid barrier support serum. Now I love this one. इसका जो previous version था, जो इनका पहले वाला था, वो मुझे ज़्यादा effective लगता था as compared to this one. और maybe you know जो कहते हैं ना कि अगर आप regular एक चीज़ लगाओ, like you know इस तरह के जो जैसे niacinamide serum हो गया, इनको आपको you know बीच में break देके then दोबारा शुरू करना चाहिए. And I completely agree because what I feel is कि after a time you know ये काम करना बंद कर देते हैं. Like अगर आप daily इनको use करते हो ना, तो मुझे personally feel हुआ because जो मैंने first time ये पहला try किया था ना इनका पुराना वाला, उसे मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे से result मिले. लेकिन in this case when I was using it like every day, तो उससे मुझे उतना फायदा नहीं हुआ, okay? And same जो मैं minimalist वाला use कर रही हूँ, वो भी almost about to finish हो गया है, तो उसको भी उसका मुझे यही feel हो रहा है. Like अब मैं उसको you know एक दिन छोड़ के लगाती हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छे से result मिल रहे हैं. So I'm gonna come up with this video. अभी I'm just researching more about this कि हाँ सच में ऐसा होता है, होता है तो क्यों होता है, ओके. बट ओवरऑल दिस वॉज अ रियली ब्यूटिफुल नियासिनामाइड सीरम. सो इफ़ यू आर अ पर्सन हु आर लुकिंग फॉर अ बैरियर रिपेयरिंग सीरम जस्ट फॉर द ग्लो एंड मार्क्स को लाइटन अप करना है, देन यू कैन गो फॉर दिस वन. नाउ रिसेंटली समबडी आस्क मी कि यू नो ये जो नियासिनामाइड है क्या यू नो इसको हम ये क्या ये एक्ने को कंट्रोल करता है. सो नॉट दिस वन, बट जो मिनिमलिस्ट वाला है वो एक्ने को कंट्रोल करता है बिकॉज उसके अंदर जिंक भी है, ओके. But overall, I love this one. I may repurchase this one in future. Okay, next I have a lot of moisturizer. So the very first I have this one is Face Shop ka Rice Ceramide Moisturizing Cream. I'm not gonna recommend this one and I'm not gonna repurchase this one. Why? Because it has a lot of perfume and fragrance and this ceramide and rice that comes after fragrance. Next is this Minimalist ka Sepikum 3% and Oat Moisturizer. Now ye maine hi finish kiya hai, but maine isko face pe nahi lagaya. Maine isko apne hands पे लगा के फिनिश किया है. एंड फॉर द हैंड्स आई मस्ट से इट्स अ रियली रियली गुड मॉइस्चराइजर. लाइक जैसे मेरे सेटाफिल एंड अवीनो वाले काम करते हैं ना हैंड्स पे, वैसे ही इसने काम किया एंड आई वाज वेरी वेरी हैप्पी. बट फेस पे मेरे उतने ज़्यादा अच्छे से काम नहीं किया था. बट ओवरऑल इट्स अ ब्यूटिफुल मॉइस्चराइजर एंड अफोर्डेबल टू, फ्रेगरेंस फ्री है. आई मे रिपर्चेज दिस वन एंड देन आई ट्राई इट ऑन माई फेस एंड देन देखूंगी कि हाँ सूट करता है या नहीं. बट ओवरऑल इट्स अ गुड मॉइस्चराइजर, यू कैन गो फॉर दिस वन. सो नेक्स्ट इज दिस सुगंधा वाइट लोटस मॉइस्चराइजर. दिस वन इज अनसेंटेड वन. सो इफ़ यू हैव सीन माई सुगंधा का ब्रांड रिव्यू, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि दिस वन इज परफेक्ट फॉर ऑयली स्किन टाइप्स एंड इवन इफ यू आर ड्राई स्किन स्टिल यू कैन यूज दिस वन. बट उसके बाद आपको यू नो 100% जो स्क्वालेन है वो यूज करना पड़ेगा ऑन द टॉप ऑफ इट बिकॉज फॉर ड्राई स्किन इट्स मोर लाइक अ सेरम, ओके. एंड इट्स अ ब्यूटिफुल मॉइस्चराइजर. इट हैज सेंटेला एशियाटिका, इट हैज 3% नियासिनामाइड, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल moisturizer and I think it's affordable one too. I'm definitely gonna repurchase this one again in future and highly highly recommend it. Next we have this phytoceramide deep moisturizer from the Earth Rhythm. We love this one, my husband and me, we both love this one. Consistency बहुत ज़्यादा light है but it's very very moisturizing. Day time पे मत लगाना, you might feel sweaty. Use it at the night time, it's perfect for the night time. We will definitely gonna repurchase this one and highly recommend it. So next I have this Believe First Aid Overnight Skin Regeneration Mask. I love this one. This was my favorite mask and I have repurchased this one already last year. Okay, अब ये
मेरे हस्बैंड ने फिनिश किया है बिकॉज उसके बाद मैं इसको लगा नहीं पाई बिकॉज आई वॉज यूजिंग सम अदर प्रोडक्ट्स बट इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल मास्क. आई लव बिलीव प्रोडक्ट्स बेसिकली. आई नो इनके अंदर भी फ्रेगरेंस होता है बट वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है कि आपको हेडेक देने लग जाए. जो फ्रेगरेंस है बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है, सिट्रसी फ्रेगरेंस होता है. एंड दिस वन यू नो जब मेरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो गया था आई के आसपास और ये ड्राइनेस रहती थी, जलन जलन रहती थी स्किन में, स्किन बर्न होती थी, तो उस टाइम पे दिस हैज शोन मिराकुलस रिजल्ट्स. ओके सो आई जस्ट लव दिस वन फॉर दैट एंड आई डू हैव अ रीपर्चेज दिस वन जो मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है. सो लेट्स सी कब वो खुलता है बट येस आई हैव रीपर्चेज दिस वन सो यू कैन सी की हाउ मच आई लव दिस वन. ओके सो बिफोर वी मूव ऑन टू नेक्स्ट आइटम आई एम गोना शो यू दीज रीयूजेबल सैनिटरी पैड्स. ये हैं फ्रॉम पी सेफ. सो पी सेफ वालों ने ही मुझे ये भेजे थे और एक उन्होंने मुझे भेजा था ये इंटीमेट वॉश. ओके ये वही आपका पीएच वगैरह मेंटेन करके रखेगा, सल्फेट फ्री एंड पैराबेन फ्री है. बट आई वॉज नॉट एक्साइटेड फॉर दिस वन. आई वॉज रियली अमेज्ड विद दीज. लाइक ये रीयूजेबल सैनिटरी पैड्स हैं. ओके इट्स नॉट लाइक योर रेगुलर कॉटन पैड जिसको आप यूज एंड थ्रो कर देते हो. अरे रेगुलर कॉटन के पैड होते हैं उसके जैसी ही शेप है इसकी एग्जैक्टली. ओके सो यहाँ पे ये सॉफ्ट मटेरियल है थोड़ा जैसे हाउ कैन आई एक्सप्लेन दिस वन, थोड़ा जो वेलवेटी स्वेड लेदर का स्वेड काइंड ऑफ जो मटेरियल होता है ना वैसा बहुत ही सॉफ्ट कॉटन सी है. ओके यहाँ पे ये विंग्स दे रखे हैं जिनको आप पीछे इस तरह से बंद कर सकते हो. यहाँ पे ये टिच बटन दे रखा है और पीछे का मटेरियल आप देख सकते हो ये लीक प्रूफ है. ओके सो ये इट्स नॉट अ रेगुलर पैड. ओके सो इसको आप यूज़ करके यू वॉश देम एंड देन यू कैन रीयूज देम. ओके सो इनको आप अप टू 12 मंथ के लिए यूज़ कर सकते हो. सो इफ़ यू आर अ पर्सन जो कपड़ा यूज़ करते हैं डेफिनेटली ट्राई दीज. और इफ़ यू नो अ पर्सन जो कपड़ा यूज़ करता है आप उनको ये सजेस्ट कर सकते हो. दीज आर रियली रियली गुड. यहाँ पे जो है ना ये जो बॉक्स है इसके अंदर आपको ये आई थिंक 4 नैपकिन है. हाँ 1, 2, 3, 4. ओके यहाँ पे 4 नैपकिन का सेट है. साथ में आपको एक ये पाउच भी दे रखा है, इसके अंदर आप इसको डाल के कैरी भी कर सकते हो अपने पर्स में. ओके ऑल राइट सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम. दिस वन इज इनिसफ्री का जेजू चेरी ब्लॉसम लोशन. ओके बहुत ही लाइट कंसिस्टेंसी थी इसकी, मुझे बहुत अच्छा लगा था. बट आफ्टर रिव्यू कुछ टाइम के बाद जब मैं फ्रेगरेंस फ्री की तरफ चली गई तो फिर मुझे ये उतना अच्छा नहीं लगा बिकॉज इसके अंदर यू नो फ्रेगरेंस थी. तो मैंने फिर इसको अपने हस्बैंड को दे दिया था एंड ही इज़ द वन जिन्होंने फिनिश किया है. ओवरऑल बहुत अच्छा था, क्वान्टिटी वाइज एंड प्राइस वाइज अच्छा था. बट अगेन यू नो फ्रेगरेंस वाला पार्ट उससे मैं हैप्पी नहीं थी एंड आई मे नॉट रीपर्चेज दिस वन. एम्प्टी इज फ्रॉम विल्वा. इट्स देयर ऑर्गेनिक एवोकाडो ऑयल. लव दिस ऑयल. आई हैव बीन यूजिंग दिस वन फॉर माई अंडर आईज. ओके बट एज यू नो अभी ये एक्सपायरी होने वाला था बिकॉज इसका जो शेल्फ लाइफ है दैट्स 12 मंथ्स. ओके तो अभी मैंने इसको अपनी बॉडी पे लगा के फिनिश किया है बिकॉज आई थॉट कि ऐसे वेस्ट हो जाएगा, एक्सपायरी हो जाएगा. तो लेट्स यूज़ दिस वन ऑन माय बॉडी. सो आफ्टर शेव मैंने इसको यूज़ किया है एंड इट्स रियली रियली मॉइस्चराइजिंग एंड आई मे रीपर्चेज दिस वन अगेन इन फ्यूचर. रियली रियली गुड स्टफ. नेक्स्ट एम्प्टी इज दिस यूवी डुओक्स सिलिकॉन सनस्क्रीन जेल. आई लव दिस सनस्क्रीन, मुझे बहुत अच्छी लगी है ये. ओके आई मे रीपर्चेज दिस वन बट अभी नहीं, जब थोड़ी ठंड हो जाएगी तब मैं इसको रीपर्चेज करूँगी बिकॉज इट हैज़ क्रीमी कंसिस्टेंसी जो मुझे पर्सनली यू नो इस गर्मी के चिपचिप के वेदर में उतनी ज़्यादा यू नो अच्छी नहीं लगती है. बट हाँ जब कोई और सनस्क्रीन मुझे नहीं मिलेगा तो आई एम डेफिनेटली गोना रीपर्चेज दिस वन. ओके नेक्स्ट एम्प्टीज आर दीज. नाउ ये मैंने क्योर स्किन ऐप से जो अपने हेयर्स के लिए ट्रीटमेंट लिया था ये वो वाले प्रोडक्ट्स हैं, कम्प्लीटली फिनिश हो चुके हैं और मैंने रीपर्चेज भी कर लिए हैं. दीज टैबलेट्स आर रियली रियली गुड. आई लव दीज. एंड ये वाला कंडीशनर उतना मुझे लाइक खास तो नहीं लगा, लाइक मेरे को कंडीशनर सब एक जैसे लगते हैं बट थोड़ा सा मुझे प्राइस ही लगा. सो आई विल नॉट बी रीपरचेजिंग दिस वन अगेन. ओके एक बार तो मैंने कर लिया है, अब दोबारा रीपरचेज इसको नहीं करूँगी. नेक्स्ट इज दिस हेयर सेरम. लव दिस वन. रीपरचेज हो चुका है एंड आगे भी मैं रीपरचेज करूंगी इसको बिकॉज इट्स रियली रियली गुड एंड इफेक्टिव. लव दिस स्टफ. नेक्स्ट एम्प्टी. ये बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप कौन सा शैम्पू यूज कर रहे हो करंटली, तो भी मैंने फिनिश किया है दिस डाबर वाटिका नेचुरल एंटी डैंड्रफ शैम्पू. यू कैन सी कितनी ह्यूमंगस पैकेजिंग है ये. आई थिंक मैंने फेब में लिया था और तब से मैं इसको यूज कर रही थी एंड यू कैन सी ये कितना. आई थिंक जनवरी में लिया था
एंड तब से ये चल रहा है. वेरी ब्यूटीफुल एंटी डैंड्रफ शैम्पू. बहुत ही मिनिमलिस्टिक सी इंग्रेडिएंट लिस्ट है. मेथी है, हीना है, आमंड है, देन कुछ सर्फेक्टेंट्स हैं इसके अंदर, देन इसके अंदर ग्लिसरीन एंड जिंक पैराथॉन है, जो मैं आपको क्योर स्किन वाली वीडियो में बताया था कि जिंक पैराथॉन और एक कीटोकोनाजोल, ये दो ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हर एंटी डैंड्रफ शैम्पू में होते हैं एंड दे आर रियली रियली इफेक्टिव. सो इसके अंदर भी वो है, बट उसके बाद परफ्यूम एंड बहुत सी चीज़ें हैं. टी ट्री है, लेमन ऑयल है, लाइक बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं. आई लव दिस वन. ओके, आई एम डेफिनेटली गोना रीपर्चेज दिस वन अगेन इन फ्यूचर. जब भी मेरे को कोई और शैम्पू की ऑप्शन समझ में नहीं आएगी, आई एम गोना डेफिनेटली रीपर्चेज दिस वन. बहुत ठंडा ठंडा फील होता है स्कैल्प में जब आप वॉश करते हो, एंड दिस हैज़ बीन वर्किंग रियली रियली वेल. एंड 380 रुपीज़ में 640 ml की क्वांटिटी मिल रही है, और कुछ डिस्काउंट पे ही मुझे मिला था. लव दिस वन. नेक्स्ट एम्प्टी इज दिस लॉरियल ड्रीम लेंथ कंडीशनर. ख़त्म हो गया है. ठीक है, एज आई सेड कि मुझे सब कंडीशनर एक जैसे लगते हैं. सो बहुत अच्छा है, हेयर्स को काफ़ी सॉफ्ट एंड स्मूथ बना देता है. लव दिस वन. लास्टली आई हैव दिस निविया का क्ले फ्रेश शार जेल. अच्छा है, क्रीमी कंसिस्टेंसी है, काफ़ी अच्छे से क्लीन करता है विदाउट मेकिंग योर बॉडी ड्राई. लव दिस वन. आई मे रीपर्चेज दिस वन अगेन इन फ्यूचर. दैट इज इट गाइज, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल. इफ यू डू, डोंट फर्गेट टू गिव दिस वन अ बिग थम्स अप एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. आई विल सी यू माई नेक्स्ट वीडियो गाइज. अंटिल देन, टेक केयर एंड स्टे ब्यूटिफुल. बाय बाय.